हेलो, मैं हूं तैमूर अली और आप देख रहे हैं आर्ट क्रिकेट, वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग मैचेस ऑफ ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री। और अगर कहा जाए कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे थ्रिलिंग मैच था ये, तो गलत ना होगा। जहां तक यहां पे बात सुपर ओवर तक चले गई और सुपर ओवर भी आकर फिर टाई हो गया और उसके बाद उस टीम को वर्ल्ड कप दे दिया गया जिसकी जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज लगाई सुपर ओवर में। मैं कहें थोड़ी ना इंसाफी भी है टीम के साथ, टीम ने काफी अच्छा खेला और न्यूजीलैंड की टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, इंग्लैंड की टीम की भी तारीफ करनी पड़ेगी। आज इंग्लैंड की टीम तो जीती है मगर न्यूजीलैंड की टीम हारी भी नहीं है। केन विलियमसन ने बहुत अच्छी तरीके से कप्तानी की थ्रू द होल टूर्नामेंट। इस टीम को उन्होंने अपने से बढ़कर लड़वाया और यहां तक लेकर आए इस टीम को फाइनल तक और ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे। अगर जो फाइनल ट्रेंट बोल्ट का वो उसने ट्रेंट बोल्ट बाउंड्री पर कैच करते, उसके बाद जो ओवरथ्रो के रन मिले वो अगर बचा लेते तो इंग्लैंड ये मैच तकरीबन हार गया था, न्यूजीलैंड ये मैच जीत गया था। मगर स्टिल क्रिकेट एक अनप्रिडिक्टेबल गेम है, आप लास्ट बॉल तक कुछ नहीं कह सकते कौन सी टीम जीतेगी। न्यूजीलैंड के चांसेस थे काफी जीतने के मगर उन्होंने आखिर में तक उनसे गलतियां हुई जो मैंने अभी को बताई, जिस वजह से मैच वो हार गए। बट स्टिल फॉर मी न्यूजीलैंड द चैंपियन टीम, क्योंकि उन्होंने डिजर्व करते थे वो ये मैच जीतना। मगर ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए इंग्लैंड की टीम का, तो उन्होंने भी 4 साल लगातार मेहनत के 2015 के वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में एग्जिट हो गए थे बांग्लादेश टीम के खिलाफ हारने के बाद, और वहां से उन्होंने अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर बदला, टीम में चेंजेस किए, मैनेजमेंट बदली और एक ऐसी टीम खड़ी की जो कि किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकती है वर्ल्ड क्रिकेट में। और यही किया उन्होंने और टीम बनाई, मैनेजमेंट तब्दील की और आज उसका रिजल्ट उनके सामने, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। पूरी टीम उन्होंने तकरीबन चेंज की, अपने 3 डिग्री का चेंज लगाया उन्होंने अपनी पूरे सर्कल में क्रिकेट की और एक नई टीम बनाई बिल्कुल, और ऐसी टीम बनाई जो किसी टीम को भी टफ टाइम दे सकती है वर्ल्ड क्रिकेट में। उन्होंने यही किया और आज उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। ये उस बात का अच्छा प्रूव है कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका सिला जरूर मिलता है। केन विलियमसन, एयर मार्गन दोनों ने बेहतरीन कप्तानी की पूरे टूर्नामेंट में और फाइनल में आकर लक ने साथ नहीं दिया बस न्यूजीलैंड की टीम का, जहां पर आकर वो मैच हार गए। काफी डिसअपॉइंटिंग एंड था न्यूजीलैंड की टीम के लिए इस वर्ल्ड कप का ये, बट स्टिल उन्होंने काफी अच्छी फाइट दिखाई ट्रेंट बोल्ट ने, केन विलियमसन ने, उसके अलावा जो उनके मैट हेनरी हैं वो अपना कुछ हाथ परफॉर्म नहीं कर पाए इतना, बट स्टिल न्यूजीलैंड की टीम काफी अच्छा खेली इस टूर्नामेंट में, तभी तो वो आए हैं इस फाइनल तक। बट गेम है ये, किसी एक को हारना होता है किसी को जीतना होता है, पर ये इस मैच में ऐसा नहीं है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम नहीं हारी। सो डिसअपॉइंटिंग एंड न्यूजीलैंड की टीम के लिए, बट स्टिल दे आर चैंपियंस एंड चैंपियन डोंट नीड ट्रॉफी टू प्रूव देमसेल्फ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।